बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और इस मॉर्निंग शो के साथ खूबसूरत से मौसम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। इस्लामाबाद का मौसम कल से एज प्रडिक्टेड बहुत हसीन है। शदीद बारिश हो रही है, शदीद ट्रैफिक है इस वक्त, और हम इस जाती सर्दी को हमने फिर से पकड़ लिया है और उम्मीद है कि ये मौसम जो है कुछ ज़रा ठहर के जाएगा और बारिश होती रहेगी। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ केयरफुली ड्राइव कीजिए। इंडिकेशंस देनी है, आपने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आहिस्ता चलाएं क्योंकि स्लिपरी रोड्स हैं, मैंने रास्ते में हादसात भी देखे हैं। और एहतियात से अपनी अपनी मंजिलों तक पहुँचें, ना पहुँचने से बेहतर है कि आप खैर से पहुँचें। आज के प्रोग्राम में बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं और उसके अलावा हमारा कुकिंग सेगमेंट होता है। ज़ैनब आपके लिए बहुत मज़ेदार सी डिश बनाएंगी। है तो पकौड़ों का मौसम, लेकिन जो चावल के शदाई हैं वो आज बड़े खुश होंगे। सिवाय नईम भाई कि हम आज चावल बनाएंगे बहुत मज़ेदार से। क्या रेसिपी है वो बताएंगी हमारी सुपर शेफ। इसके अलावा मेहमान हैं जो कि पहुँचने वाले हैं। मौसम ऐसा है ना कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे कॉल्स के जरिए। 0514102251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और कहते हैं कि जी, एक इंसान का झूठा होने के लिए एक बात काफ़ी है कि वो बिला तस्दीक बात को आगे फैला देता है। और आजकल जो डिजिटल मीडिया का दौर है, ये काम बहुत ही आसान है। बिना सोचे समझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक्स पे, इंस्टा वगैरह, खासतौर पर फेसबुक, इंस्टा पे इतना नहीं है, चाहे किसी भी किस्म की पोस्ट हो, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती और उसको शेयर कर दिया जाता है। खाम खे पैनिक फैला दिया जाता है। खुदा ना खास्ता जलजलों की बात हो रही हो या कोई मुल्क की हालात के बारे में बात हो, तो आप बिना तस्दीक के बात को एक तो फैलाएं नहीं, और कोई ऐसी खबर आ भी जाए तो थोड़ा सा उसको मतलब कान ना धरे जब तक कि तस्दीक उसकी ना हो जाए। दूसरी बात, एक और चीज़ जो मैंने सोशल मीडिया के ज़माने में देखी वो ये है डिजिटल बेगिंग। जी हाँ, हम भिखारियों को देखते हैं, गदागरों को देखते हैं जो कि सड़कों पे खड़े हैं, चौकों पे खड़े होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, प्रोफेशनल गदागरी होती है। लेकिन ये चीज़ मैंने कुछ अरसे में अब सोशल मीडिया पर भी देखी है कि वहाँ पर बाकायदा जैसे कि मेडिकल कोई प्रूफ देना हो तो सीटी स्कैन की तस्वीर या एक्सरे की तस्वीर लगा के फ्रॉड किए जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस भी हुए हैं जिसमें उसके बाद से मरीज गायब हो जाता है। तो इस डिजिटल ज़माने में जबकि डिजिटल बेगिंग बड़ी आसान हो गई है, थोड़ा सा एहतियात कीजिए। और ऐसे लोग जो है ना, जो प्रोफेशनल गदागर होते हैं, वो ज़रूरतमंदों का, जो सफ़ेद पोश होते हैं, उनका हक मार देते हैं। तो थोड़ा ख्याल रखें, मदद ज़रूर करें, लेकिन ज़रूर चेक कर लें, तस्दीक कर लें कि ये केस ऑथेंटिक है भी कि नहीं, वरना ऐसे बहुत से फ्रॉड केसेस आते हैं। अगर ऐसे कोई वाक्य आपके साथ भी हुआ है, खुदा ना खास्ता, तो हमें बताइए। 0514102251। आइए चलते हैं अपने किचन कॉर्नर में, जब तक हमारे मेहमान पहुंच रहे हैं कि आज ज़ैनब क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जनाब, ठीक ठाक। भीगा भीगा सा मौसम है। यस। नहीं भाई, बारिश का गाना होना चाहिए वैसे, है ना? हाँ जी। है ना, ऐसे ही एंजॉय कर लेते हैं बारिश। भीगा सा ये दिसंबर तो नहीं है, फरवरी है। और भीगे भीगे से चावल है, भीगे भीगे से चावल है। यहाँ पे जो है आज चाइनीज राइस बन रही है। सॉरी, मेरी आवाज जो है बहुत ज्यादा गला खराब हुआ हुआ मेरा। अच्छा, वो रेडी भी नहीं कॉल आती रात को 12 से 2 के शो में। हाँ, हेलो हेलो। खैर, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी में। बता देती हूँ कि चाइनीज राइस में जो है वो यूज होंगे, पहले तो चावल तो बिल्कुल बिल्कुल, और बॉइल्ड राइस होंगे। कितना राइस लेंगे? मैंने जो राइस लिया है वो 250 ग्राम लिया है, आधा किलो से कम होता है, मतलब आधा किलो का हाफ होता है। चावल लेने हैं आपने, सेला ले ले, टोटा ले, कोई आप पे डिपेंड करता है। टोटा नहीं चलेंगे, लेकिन सेला चलेंगे, बासमती। दो नाम आते हैं, बोल बासमती है, सेले और टोटा। ठीक है। हाँ जी, और इसमें ये जो है कि चिकन जाएगा, चिकन भी मैंने उतना ही लिया है जितने चावल हैं, 250 तकरीबन, आधा किलो से जरा सा कम होता है, हाफ मतलब होता है उसमें। गाजर है इसमें, मैंने ली है 2 गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सब्जी इसमें डालनी है। इसमें सबस प्याज भी जाता है, गोभी भी जाती है, मटर भी जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा मसाले नहीं है इसमें, मैंने यूज करना है नमक करना है, काली मिर्च करनी है, लाल मिर्च करनी है, और साथ में मेरे पास है यहाँ पे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ठीक। चिकन पाउडर जो है वो थोड़ा सा फ्लेवर को इनहेंस कर देगा, और साथ में मैंने यहाँ पे चिली सॉस ऐड करनी है, सोया सॉस ऐड करनी है। ठीक है। और हम इसी में सॉस में हम केचप भी डालेंगे, और हमारे पास जो है प्याज है उसको हम चॉप कर लेंगे, और साथ में जो एक दरमियाने साइज का प्याज, हाँ दरमियाने साइज का प्याज है, और साथ में हमारे पास 3 जवे जो है लहसुन के हैं, कि वो थोड़ा सा जो चिकन का हमक है वो खत्म हो जाए। और हमने अंडे भी फेंट के इसमें डालने। अच्छा। हाँ, अंडे भी फेंट के डालने। अंडे 2 हैं, 2 अदद। ठीक है। अब मैं यहाँ से कटिंग स्टार्ट करती हूँ पहले, और सबसे हल जो है ना आसान छीलने का, कि आप इस तरह से लहसुन को प्रेस कर दें। ठीक है। और ये देखें जी, ये आपका जो
छिलका है वो ऐसे अंडर प्रेशर ही ऐसे हो जाता है, ऐसे इंसान भी अंडर प्रेशर ऐसे हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है हमारे साथ, बड़ा सिंपल सा मतलब कॉलर 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 पहले कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? वेलकम टू के2 शहर। जी मैं मोहम्मद अफजल अटक से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, असगर साहब का बेटा। जी असगर भाई खैरियत से हैं? ठीक है। और जब आपका इशारा मुझे हुआ कि कॉल आ रही है तो मैंने फौरन हाजी साहब को याद किया, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, उनकी बख्शिश करे। आमीन 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 आमीन। मैं पूरे 8 दिन हो गए फौत हुए, माशाल्लाह पीर के दिन शाम को फौत हुए थे। जी 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 जी। और मैं के2 चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके सारा स्टाफ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आप लोग कैमरा मैन जो भी हैं, सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन ये हाजी साहब की आखिरी कॉल आई थी। और भाई आप शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप लोग सब हमारी फैमिली का हिस्सा है, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनकी बातों को मिस करते हैं, उनका गाना गाया था वो भी हम याद करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो आते जी रेसिपी की तरफ, ज़रा ये भी तो बताएं 0514102251 पे कॉल करके कि आपके शहर का मौसम कैसा है। लाहौर तक तो बारिश नहीं पहुंची है। अच्छा हाँ, वहाँ पे भी ड्राई वेदर चल रहा है। इस्लामाबाद में ही वो, हाँ वहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे लोग हैं। और वैसे अच्छा, मैं अभी 2-3 दिन पहले जब बारिश शुरू नहीं हुई थी जी जी, तो मैं ये कर रही थी कि हम स्वेटर पहनना मैंने छोड़ दिया था। हाँ, अच्छा, सिर्फ सॉक्स थी और मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन अल्लाह मियां ने कहा कि नहीं अभी तो हमने सर्दी नहीं जाने देनी, अभी जो है सर्दी को और इंजॉय करो, क्योंकि खुल के इस बार हमने सर्दियां जो है एंजॉय नहीं की। सर्दियां आई नहीं थी, दूसरी बात ये कि जो ड्राई वेदर की वजह से नजला, जुकाम, एलर्जी फैली हुई थी वो भी काफी हद तक ठीक हो गई है। और अभी वेंसडे तक बारिशें हैं और गलियात साइड पे जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में भी बर्फबारी हो रही है। तो लेकिन प्लीज सब उठ के ना एकदम से चले जाएं, फिर वहाँ पे स्टक हो जाएं, फैमिलीज और बच्चे साथ होते हैं, मौसम का हाल देख के हाँ। पूरी तैयारी करके जाएं। और लास्ट टाइम में भी जब स्नो फॉलिंग फर्स्ट टाइम जब हुई थी, 2-3 साल पहले की बात है, कितना वो डेडली हुआ था, बहुत ज्यादा। तो प्लीज अवॉइड करें, और जान है तो सब कुछ है भाई, जान है तो जहान है। फिर आप राइस कैसे खाएंगे जो बना रही है ज़ैनब? मैं जो हूँ ऑयल ले लूँ, ऑयल ले लें, दो अंडे ये फेंट रहे हैं ना साथ साथ, मैं ये अंडे फेंट लेती हूँ। इसके अंदर जो है नमक, ठीक है, मैं ऐड कर लूंगी पिंच, एक थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है, ठीक है, और काली मिर्च डाल दें, काली मिर्च हसबे। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आप लोग कलर भी ऐड कर सकते हैं, येलो कलर ऐड कर लें, जब वो वाइट चावलों के साथ ना कलरफुल, अब रेड भी कलर है, ग्रीन भी है, और जब आपने एग में येलो कलर डाल दिया तो वो भी बड़ा इनहेंस हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। सही 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 सही। हेलो जी, थैंक यू, आपको चाहिए ये चाहिए मुझे, हम इसको गर्म करते हैं। अच्छा, मैंने इसको जो है प्याज को चॉप कर लिया है, बारीक बारीक काट लें, जैसे प्याज की तरह वैसा काट लें, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सॉफ्ट ही रहेंगे, मैंने इन्हें ब्राउन नहीं करना। अच्छा ठीक, हाँ, है। तो ये और साथ में जो है लहसुन को भी मैं चॉप करूंगी, मैं इसको पेस्ट नहीं बनाऊंगी, चॉप करूंगी, क्योंकि चाइनीज में ज्यादातर जो है लहसुन चॉप किया है वही ठीक हो गया। अच्छा लगता है, फ्लेवर भी उसका आ रहा होता है। और अच्छा, मुझे अदरक नहीं पसंद खानों में, हालांकि अच्छी लगती है, लेकिन मुंह में आना अजीब सा लग रहा होता है। अच्छा, लोग चाय में भी डालते हैं अदरक, अदरक चाय बहुत अच्छी होती है, जब गला खराब हो या जुकाम हो तो आप यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अदरक, हल्दी का कावा, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, ठीक है, 2-3 टेबलस्पून काफी होगा। हाँ जी, अंडा ही अभी मैंने जो है इसमें करना है पहले फ्राई, उसको फिर मैं निकाल लूंगी, ठीक है, उसके बाद जो है फिर चावलों का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट, ठीक है। पहले हम जो अंडे हमने फेंट लिए थे वो जाएंगे अब पैन में। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आइए आप कैसे, खैरियत से? भाई हमारी तो सुबह वैसी अच्छी कर देती है, लेकिन आप ये हम आपने पूछा ना, आप अपने शहर का मौसम बताएं, तो हमारा कराची का मौसम जैसे हमारी सियासत है ना, हाँ। कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। हाँ। आप बिलीव करें, कराची में पता क्या हाल होता है रेखा, इतना अजीब मौसम है कि सुबह देखा कि फिर खुनकी हो रही है और दिन में ऐसी शदीद जुलाई जैसी गर्मी होगी। अच्छा। और फिर शाम में कुछ और हो गया, मतलब इतना वेरिएशन है, और कभी मतलब बहुत अजीब किस्म का वेदर है, यू नेवर नो कि किस तरह आपको पहन, किस तरह क्या। यहाँ तो बारिश हो रही है भाई जबरदस्त किस्म की, शायद आपने इस्लामाबाद की तो खैर बात ही माशाल्लाह कुछ और ही है, वहाँ जाके हसीन शहर, हसीन लोग। अभी मैं देख रही थी कि पहाड़ों पे ना बादल आए हैं, आपकी शेफ जैसी हसीन चेहरे तो वहाँ बहुत मौजूद ही है ना। बहुत शुक्रिया। क्या मतलब बहुत मौजूद ही है, पहले तारीफ करनी बाद में कहते बहुत मौजूद है। असल में चेहरे के साथ साथ आपका आपका गुफ्तगू भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, गुफ्तगू अच्छी गुफ्तगू करने वाले कम लोग होते हैं।
चलो अच्छा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि रिबा एक प्रोग्राम जरूर रखें जिसमें साइबर सिक्योरिटी के बंदों को बुलाएं, एफआईआर के बंदों को बुलाएं, क्योंकि वजह यह है कि इतनी ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये दुनिया भर में हो रहा है। आपको पता है कि जो बाइडेन जो अमेरिका सदर बाइडेन का सबसे बड़ा बजट साइबर सिक्योरिटी पे, उनको इतना खतरा है कि साइबर के थ्रू काम भी तो ऐसे है ना, अब क्या करें हम। बिल्कुल, लेकिन बस मैं इतना कहूंगा एक प्रोग्राम रखें, फिर हम इंशाल्लाह उस पे इंशाल्लाह साइबर के हवाले से प्रोग्राम भी करेंगे और जो खास तौर पर जो साइबर बुलिंग होती है उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर सजेशन, बहुत शुक्रिया आया, हैव अ ग्रेट डे। 0514102251 पे आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम का अपने मौसम का हाल भी बताइए, आपके शहर का मौसम कैसा है, और ये जो कहा जाता है कि अगर दिल का मौसम अच्छा हो तो हर मौसम अच्छा लगता है, कहाँ ऐसा होता है मुझे समझ नहीं आती अभी तक, तुम्हें समझ नहीं आई ये चीज कि अगर आप दिल से अच्छे हैं, दिल का दिल खुश है तो बाहर भी अच्छा लगा, ऐसा होता है? हाँ, होता है, होता है। मेरे साथ क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं, चलें देखते हैं कि ये कितनी हद तक ये बात सही है, कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते। 0514102251 पे कॉल कीजिए। और हमने तो खैर सर्दी को खुदाफिज कह दिया था, लेकिन अल्लाह के काम है, दोबारा से मौसम अच्छा हो गया है और हमारी शेफ आज बना रही हैं चाइनीज राइस। और यहाँ पे जो है ऑमलेट की शेप में मैंने निकाल ली है, जो एग्स मैंने डाले थे, ठीक है, इसको बाद में मैं नाइफ से कट कर लूंगी। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको वो गुचर मुचर सा नहीं किया ना? नहीं, वो नहीं किया क्योंकि नजर नहीं आएगा, मुंह में भी इतना फील नहीं होगा। सही सही सही, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं ऑयल और डालूंगी, ठीक है, वही 2 से 3 टेबल स्पून और डाल दिए। और यहाँ पे मैं ये करूंगी कि जो मैंने यहाँ पे प्याज किए थे वो डाल दूंगी, ठीक है, पहले से प्याज। हाँ, और जैसे ही इसका कलर जो है वो चेंज होगा, कलर मतलब जो ट्रांसपेरेंट उसमें फॉर्म में आएगा, तो फिर मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूंगी। सही, ठीक हो गया, ठीक है। हम इसको अच्छा, बारिश के मौसम पे सोशल मीडिया के दो तरह के लोग आ जाते हैं, एक बहुत रोमांटिक और एक गमगीन रोमांटिक होते हैं। हाँ भाई, कि ना अब आएंगी वीडियो, स्टेटस लग रहे होंगे बारिश में जा रहे हैं ड्राइव करते हुए, हैं गुठियाँ शिंगुठियाँ पहनी हुई है और दिखा रहा। हाँ, हाँ, और दास से गाने या और वो ये कव्वाली लगा लेंगे, चाय की पिक्चर डाल रही। अच्छा, मैं खुद भी ऐसे करती हूँ, चाय की पिक्चर तो जरूर डालती हूँ यार, कोई खिड़की के पास लेके जा रही, ये काम तो जरूर कर रहा है मैंने। नुसरत फतेह अली खान साहब हर जगह जो है ना उनके गाने फिट हो जाते हैं, और जो रीमेक्स उनका आए मेरे, अच्छा मैंने कुछ लोगों को देखे वो स्पेशल कैफेज में जाते हैं, हाँ, जो आउटडोर आपका उनका सेटअप होता है वहाँ पे बैठ के चाय पीते और साथ में वो स्पेशल कवाली लगा के वो पोस्ट लगा रहे, पोस्ट लगाते हैं, डेडिकेशन होनी चाहिए, जैसे वो वेट कर रहे होते हैं कि अभी बारिश आएगी तो हम भागेंगे फौरन। अच्छा, आजकल जो एआई के थ्रू जो नए गाने आ रहे हैं, मतलब जो सिंगर्स दुनिया में नहीं रहे उनकी आवाजों को नए गानों के साथ मिक्स किया जा रहा है, वो इतना स्केरी भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। पुराने पुराने सिंगर और जिनकी आवाज़ें हमारे पास रिकॉर्ड की शक्ल में तो हैं, लेकिन उन नए गानों को उनकी आवाज़ों में सुनना बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है, और थोड़ा सा स्केरी भी है कि एआई क्या कुछ करेगा। कुछ सिंगर्स की आवाज़ें बड़ी अच्छी पिक की हैं, कुछ की नहीं पिक की हैं, और जैसे कि अभी वो राहत फतेह अली खान को आज सॉन्ग उन्होंने रीमेक किया था, वो इतने मज़े का नहीं लगा, लेकिन ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अधूरी इंटेलिजेंस है अभी, तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ हमारे प्याज जो हैं वो जैसे ये ट्रांसपेरेंट होंगे जो हो जाता है कलर इनका, ठीक हो गया, और क्योंकि ब्राउन नहीं करना, क्योंकि आप ब्राउन करेंगे तो फिर जो एग फ्राइड राइस का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये प्याज पे बहुत डिपेंड करता है, इसीलिए कहते हैं कि कोरमे में डार्क ब्राउन प्याज हो, आप पुलाव में लाइट ब्राउन हो, वो इसीलिए क्योंकि कलर जो डिश का है ना वो चेंज हो जाता है प्याज के कलर से। तो ये बेस है आपकी, ये बेस है, बेस ये अच्छी बन गई तो बस फिर आपका फाउंडेशन। इसमें मैं जो हूँ लहसुन डाल देती हूँ, और 2 से 3 जो है मैंने जवे इसमें लिए हैं लहसुन के, जैसे ही इसकी खुशबू उठेगी तो उसके बाद हम जो है मसाले ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, और जैन ने प्याज बॉइल्ड लिए है ना, क्या की है, बॉइल्ड प्याज लिए है ना, प्याज सॉरी चावल चावल मैं कह रही हूँ चावल लिए हैं वो आपने बॉइल्ड लिए, थोड़े कच्चे रखे, नहीं कच्चे नहीं, फुल कुक है, फुल कुक है, फुल अच्छा, सही सही हाँ। सही, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, वैसे चाइनीज, क्योंकि मैंने चाइनीज किचन में काम किया हुआ है, हाँ। हम तो ये बासमती राइस यूज करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मोटा राइस यूज होता है, ओके। और वो बहुत स्टीम्ड होता है, मतलब वो जैसे आप हाथ में पकड़े हैं तो वो जुड़ जाए, हाँ, वो ऐसे होता है, लेकिन जब अच्छा वो ट्रिक ये है कि वो जब बनाते हैं तो वो अलग अलग राइस होता है, ठीक है, फील भी नहीं आपको होता है कि यार अच्छा ये इतने जुड़े हुए चावल थे, सही, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अवन होता है उसमें स्टीम हो रहे होते हैं चावल, अच्छा, और वो बना रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। और एग फ्राइड जो चाइनीज राइस है उसमें सिर्फ ये 2 ही इंग्रेडिएंट्स स्पेशल है, ठीक है, सब्जी में जिसमें आपकी गाजर जाती है और शिमला मिर्च आती है, ठीक है, बाकी तो आप पाकिस्तानी है कुछ भी डाल लेते हैं, मटर डाल दे इसके अंदर, हाँ।
अच्छा दूसरी बात ये कि वहाँ पे चॉपस्टिक से खाते हैं ना तो उनको इजीली, हाँ वो थोड़े से चावल जो है वो इसीलिए मोटे होते हैं। यस, ये आपने बात अच्छी की। देखो लहसुन की खुशबू चढ़ गई मुझे। हाँ, अब काम की बात जो है मैंने, अच्छा मैंने जो है ये छोटी छोटी जो है वो पीसेस किए हुए, बहुत ही छोटे किए हुए, क्योंकि चावल में बड़ी जो चिकन की पीस है वो नहीं अच्छे लगते, छोटे अच्छे लगते हैं कि हर बाइट में जो है वो आपको फील हो। ठीक है, इसका भी कलर गल जाएगा। हाँ, इसी में गल जाएगा। जैसे ही कलर इसका चेंज होगा तो मैं इसके अंदर मसाले और वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। ठीक हो गया जी, जान हो गया। इतनी देर में मैं ये करती हूँ कि मेरे जो यहाँ पे अंडा है उसको हम काट लेते हैं। आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। एक वक्त था मुझे अंडे खाने इतने अच्छे लगते थे, पता नहीं क्यों, एक दौरा सा पड़ता है खास अगर खानों का, तो मैं अच्छा, अंडे से दिल उठ जाता है फिर कभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये हाँ। है ये अंडे का मसला है, हमारे कोई नहीं है। हाँ। ले जी, हमारे चिकन जो है वो अपना रंग चेंज कर रहा है, उसका अपना पानी भी निकलेगा जिस पानी में ये गल जाएगा। और आज हम कुछ बात, जो गेस्ट हमारे आ रहे हैं, एक गेस्ट हमारी पहुँच गई हैं, वो बात करेंगी। हमने सोचा था समर ट्रेंड्स की बात करेंगे, समर आ रही है, गर्मी आएंगी तो क्या ट्रेंड्स होंगे। अब हम तो बाहर देखे तो समर नहीं, बर्फ जम रही है, आएगी तो सही ना। हाँ। तो हम दो महीने बाद जो ट्रेंड जाएंगे हम इसकी बात कर लेंगे। आप जाएं आउटलेट पे तो आपके समर कलेक्शन आ गई है। हाँ। और वो इतने खूबसूरत आए, इतने महंगे आए हुए और इतने महंगे आए हुए, मतलब आप ये करें क्योंकि आपके जैसे ही अभी मार्च का आएगा ना सीजन तो सेल लग जानी है इस वाले। सेल ऑलरेडी कुछ लगी हुई है, कुछ लगी हुई लगी हुई है। क्या करना, आपने ये उठा लेना। और फिर क्या दूसरी बात ये कि इतने महंगे जो जो डिजाइनर्स कपड़े बना रहे हैं लॉन वगैरह के, मतलब 12,000 का लॉन का सूट और 3,000 आप सिलाई दे देंगे, 15,000 या 14,500 तो कहीं भी नहीं गए, तो थोड़ा सा हाथ औला रखे। हर साल मौसम ऐसा बदलता है, आगे आ रही ईद। इसमें मैंने नमक और जो चिकन पाउडर वो डाल दी, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपने बराबर रखनी है क्योंकि अभी हमने सोया सॉस भी डालनी है। ओ। हमने नमक भी है और चिकन पाउडर, ये इनमें सब में जो है ना सॉल्ट ज़्यादा होता है फ्लेवर। सही, और मैंने सही, चावलों में भी बॉईल करते हुए जो है वो सॉल्ट डाला था, तो ये आपने ही ख्याल रखना है कि किस तरह का जो आपको सॉल्टी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अच्छा, इसमें लाल मिर्च डालते हैं? हाँ जी, काली मिर्च। काली मिर्च ये पाउडर फॉर्म में डालना है? पाउडर फॉर्म में डालना है। और हाफ ऑफ टीस्पून, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है। हमारे पास इस वक्त जो है वो 250 ग्राम चावल है और इसी तरह से जो है चिकन भी 250 ग्राम है। तो कोई चिकन सॉफ्ट होना शुरू हो गया ना, वेरी नाइस, दैट तमीज़दार चिकन। अच्छा, इसको ज़्यादा कुक भी नहीं करेंगे क्योंकि चिकन सख्ती हो जाती है। नहीं नहीं, आप करें, हिलाते काफ़ी है, इतना बहुत है। मैंने कहा आपके हिलाने से कुछ नहीं होगा, बोलने का जाके थी, बोले कि और जरूरत नहीं है तो बस मैं छोड़ दूँ फौरन चम्मच। अब हम डाल रहे हैं इसमें चिली सॉस 1 टेबल स्पून और एक खाने का चम्मच सोया सॉस, वो भी जाएगा 1 टेबल स्पून। इसीलिए नमक कम रखना है आपने। हाँ जी, चेक करते रहे क्योंकि कम हो जाए ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा चिकन पाउडर में भी अच्छा खासा जो है सॉल्ट होता है। ओके, इसका यहाँ पे अब टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो कर देंगे उसकी फ्लेम। ठीक है, और हमने केचप ऐड कर देनी है। ये हमारे पास है 2 से 3 चम्मच खाने के चम्मच। ठीक है जी, ये होकर दिया जी हमने ऐड। इसके अंदर मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं, आधे पहुंच गए, आधे पहुंचने वाले, मतलब एक इसी में जो है हमने गाजर जो चॉप करके डाली थी बस वो डाल देनी। अच्छा, बचे हुए चीज़ों से खाने का जो मजा है, सबसे कम जो है हमने डाल दी। रंग कितना प्यारा लग रहा है, रंग हसीन लग रहा है भाई, ग्रीन। इस बार ईद के पता नहीं क्या ट्रेंड्स होंगे, रमजान आ रही है। अच्छा, मुझे हर ईद पे ना, स्पेशली छोटी ईद पे मुझे वाइट कलर बनवाना है। सीरियसली, आपके वाइट कलर हो अंगरखा? या तो हाँ अंगरखा हो, या आपने नीचे हरारा पहना हुआ हो, शॉर्ट शर्ट हो, पता नहीं क्यों मैं वाइट पे ही अब और वो भी चिकनकारी का, चिकनकारी मैं अटकती हूँ। मैं वाइट कहती नहीं बनाना, लोग बोलेंगे दोनों जी क्रेजी किस्म की खवातीन है, कभी रमजान भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन ईद हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं इसका। एग्जैक्टली, तो मैं मेरा दिल कह रहा है मैं ब्राइडल रेड किस्म का जो होता है रेड वो बनाऊं। जबरदस्त, बहुत अच्छा बनारसी। यस, किस खुश हो रहे सोच सोच के, क्या फर्क पड़ता है, क्या हर्ज है मुझे ये बताएं। लेकिन ये कि मैं कपड़े पहले से बना लेती हूँ, ईद पे पहन लेते हैं, मतलब इसको खास मेरा वो नहीं होता। और एक साड़ी लाज भी रखती हूँ, अच्छा लगता है साड़ियाँ पहनना। ले जी, हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल्स और चिकन जो है वो घुल मिल चुके हैं, इस तरह रहना चाहिए घुल मिल के हम सबको। कहाँ की बात मैंने कहाँ मिलाई, कोई टेंशन हो रही मेहमान पहुँचे कि नहीं पहुँचे, मेहमान पहुँच गए जी हमारे। ले जी,
अब हमने बस अच्छा कितना इंपॉर्टेंट है ना काउंटर भी साथ साथ क्लियर करते रहना, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे जो है ना बहुत ज्यादा ये होती है कोफ्त की ये चीजें क्लियर हो या तो कोई एक इंसान मेरे साथ खड़ा हो मुझे वो आ जाएगा। हम नताशा को बहुत मिस कर रहे हैं, छुट्टी पे है वो नहीं आएगा आज। एक बंदा छुट्टी पे कोई नहीं है वो जा रहे हैं मुल्क से बाहर। हाँ जी अच्छा जी अच्छा। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और थोड़ी चावल ऐड करने के बाद टॉस करेंगे सारी चीज़ों को toss? और फिर टॉस टॉस मतलब मिक्स करेंगे। टॉस करने के बाद हम ये करेंगे कि हम इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर दम पे रख देंगे, ठीक हो गया, ताकि जो है चावल और इसका फ्लेवर आपस में मर्ज हो जाए, ठीक हो गया। और फिर हम ऊपर से एग डाल और सब्जियां गल जाएंगी, सब्जियां गल जाएंगी। अच्छा क्योंकि बारीक कटी हुई है ना इसलिए। ये जी आपने क्या सोचा है आज क्या बनाना है, मौसम ज़बरदस्त है और मैं दिल करे कड़ी चावल खाने का है ना, लेकिन पकौड़े के साथ रोटी और आपकी टमाटर वाली चटनी ये मुझे पता है मेरे घर में आज की लाजमी बने, लाजमी बनेगी। ये पकौड़े कहती हूँ कि पकौड़े बनाए जी मैं आ रही हूँ। अच्छा जी हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये खुशबू आ रही है सॉस वगैरह की ना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे आपने मुसलसल चमचा हिलाना है ताकि सारी जो मिक्सिंग है वो अच्छे से हो जाए। कुछ लोगों को ये होता है कि उनसे अगर हैंडल नहीं होता हाँ तो आप चूल्हे से हटा के आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है। और मीनवाइल हम कॉल सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक जी, खैरियत से। कौन भाई बात कर रही है, कहाँ से? वेलकम टू केटू शहर। अब्दुल रहीम आजाद कश्मीर पटेखा से। हाँ जी जबरदस्त पहचान लिया, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक खैरियत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से, एक मजेदार सी बात होनी चाहिए जी। आप तो कह रहे थे ना कि मौसम का हाल बताएं, हमारे पास तो बारिश लगी हुई है और रजाई लेके अंदर बिस्तर में लेटे हुए हैं। क्या बात है जी। और दुकान पे जाना था, दुकान पे भी नहीं जा सके। खुशकिस्मत लोग, कारोबार अपना खैर है जी। क्या करें फिर, सर्दी है, सर्दी में तो पटेखा में तो वैसे भी सर्दी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी ज्यादा होती है। हाँ वैसे सर्दी यहाँ पे तो कम होगी थी लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, बारिश कर दी है। तो अच्छा आपकी दुकान किस चीज की है भाई? मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ, वॉशिंग मशीन है, पंखे वगैरह। है तो बड़े काम की मशीन है। आप तो बहुत काम, बहुत काम की है। काम तो सही आता, मतलब सही गर्मियों में काम होता होगा आपके पास तो, है ना? वॉशिंग मशीन वगैरह गर्मियों में काम होता है, सर्दियों में नहीं होता बिल्कुल ही। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक है ठीक है। ये हुनर जो है ये काम का है, जिसे रिपेयरिंग का काम करते हैं, अच्छी खासी आमदनी हो जाती है इससे? नहीं काम शाम में इस तरह नहीं है, इधर जो है ना वो एक तो हमारे देसी लोग होते हैं, इनसे फिर ज्यादा हम आमदनी ले भी नहीं सकते ना, उस हिसाब से चलना पड़ता है। देख आज इस्लामाबाद आ जाए आप, इस्लामाबाद आ जाए तो उधर किराए ज्यादा हो जाते हैं दुकानों के तो। चले बस वही ठीक है फिर, सही है ये बात, कहीं ना कहीं तो होता है ना, माइनस प्लस पॉइंट सब जगह होते हैं, वहाँ सब जगह तो अपनी है ना आपकी जी। ठीक है जी, आज हमारे बन रहे हैं राइस, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भाई। तो जी एक चीज ये मैं आपको बताना चाहूँ, आप तो कह रहे थे ना कि साड़ी पहनना बहुत पसंद होती है। हाँ जी, तो साड़ी तो ये अपना पाकिस्तान में एक कौमी लिबास है, सलवार कमीज, तो साड़ी हमारी तो आती नहीं है। तो नई लिबास होगा तो पहनेंगे नहीं क्या? नहीं नहीं, वो तो फिर अंग्रेज का लिबास हो गया ना, साड़ी हो गई या दूसरी चीज हो गई, पेंट शर्ट हो गई। हाँ जी, ये तो अंग्रेज का लिबास है, अंग्रेज को पहनना चाहिए, हमारा तो कौमी लिबास जो है। वहाँ के लोग भी देखे, मैं कौमी लिबास भी पहनती हूँ लेकिन मुझे साड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, इसका ताल्लुक किसी खास उससे नहीं है और पहनने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर कैरी करना आता हो, आज मैंने अंग्रेज का लिबास पहना हुआ, देखे लॉन्ग कोट पहना हुआ है। वही है ना, वो तो क्या कहते हैं ना, वो एक अंग्रेज ने कहा था कि नकल तो सबने कर ली लेकिन अकल ना आई किसी को। आपको किसने कहा कि अकल नहीं आई मुझे? मतलब लिबास पे आपने जज कर लिया कि अकल भी नहीं है, चाहे रिपेयरिंग कर जाए। नहीं नहीं, वो बात ही कह रहा, आपकी तो बात ही कह रहे हैं। जाए दुकान खोले, जाके जाए दुकान खोले, ऐसे बिजनेस के लोग वेले नहीं बैठ सकते, उनका दिमाग चलता है, वेला दिमाग शैतान का दिमाग होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। अच्छा लगा, दिल की बात आपने की, बहुत अच्छा लगा। कॉल कीजिए 0514102251। हमारे पास एक सॉन्ग आ गया है फाइनली, जब तक चावल दम पे रखे हैं, आइए बारिश को इस गाने के साथ एंजॉय करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सर, मैं हूँ रिदा इमरान और आज हम आपको मिला रहे दो ऐसे मेहमानों से, एक शख्सियत से आप पहले भी मिल चुके हैं और हमने उनको बुलाया था, यार कुछ सोचते हैं कि समर ट्रेंड्स क्या होंगे, लेकिन हमने आपको ट्रेंड्स ही बताने हैं आने वाले टाइम में, बालों के हवाले से, रंग
डाइज के हवाले से, मेरे नज़दीक अगर आपके बाल प्रॉपरली डाई किए हुए हैं, कट अच्छा हुआ हुआ है, हेल्दी बाल हैं, तो पूरी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी वो बना देते हैं। लेकिन अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखा और वो या किसी गलत हाथों के हत्थे चढ़ गए हो, तो फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए हमने इस्लामाबाद की जो बेहतरीन हेयर एक्सपर्ट हैं, चाहे आप कटिंग हो चाहे वो डाइंग हो, तो सब जो है वो किरण इमरान को जानते हैं, जिनका ताल्लुक ग्लैम स्ट्रीट से है, पहले भी आ चुकी हैं, वाहिद बंदा है जिनके हवाले में अपना सर कर सकती हूँ। वेलकम किरण, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू K2 सर, खैरियत से हैं जी? शुक्र ठीक ठाक। और उनके साथ बैठी एक ऐसी हस्ती जिनका इनके सब्र को जो है ना दाद देनी चाहिए। जब आप किसी जगह सलून पर जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसको मैनेज करना, उस पूरे फ्लोर को देखना, ख्वातीन की बातें भी सुनना, फिर उनको एडजस्ट करना, तसल्ली देना और हौसला बढ़ाना, ये सब काम जो है वो नायला उमर करती है। अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। मैंने सही कहा ना, बड़ा सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है बहुत। तो पहले आपको इस कॉल आती है और पब्लिक डीलिंग होती है कि जी हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, अब भी चाहिए, आधे घंटे की बात दे दे, हालांकि आपने कोऑर्डिनेट करना होता है विद द स्टाइलिस्ट आल्सो। एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये ऑलरेडी बुक होती हैं, लेकिन हमें उस ड्यूरेशन में अर्जेंट बेस पे चाहिए होती है अपॉइंटमेंट, और फिर मैनेज करना, मिस किरण से डिस्कस करना कि अब क्या करना है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, ऑलरेडी बिजी हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मैनेज हो जाता है। या एग्जैक्टली, तो जो जिनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होती है उन्हें क्या करते हैं आप, उन्हें क्या कहते हैं? उनके साथ थोड़ा ये होता है कि हमारी ऑलरेडी इनके माशाल्लाह से जितने भी क्लाइंट हैं, रेगुलर क्लाइंट हैं, इन्हीं के पास आते हैं, इन्हीं के पास आते हैं। सो ये होता है कि फिर उनके साथ थोड़ा अकोमोडेट करना होता है 10-15 मिनट्स का, कि आप वेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनके साथ कर लेते हैं वेट, और मोस्टली ये होता है कि फिर साथ में असिस्टेंट ज्यादा देने पड़ते हैं, कि आप इनके साथ मैनेज कर लें, डाई अप्लाई करना, इवन के खुद असिस्ट करवाना, फिर वो चीजें हमें साथ में करनी पड़ती हैं। क्लाइंट होती है जो किसी की बात नहीं सुनते, दिल की बात बोल दे नाम लिए बगैर, होता है ना, आप लोगों को प्रेशर होता है ना? होता है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं दी, आपकी कंप्लेन जाएगी, ये इश्यू होगा, लाइक इस तरह से सम टाइम होता है। लेकिन रिश्वत वगैरह भी देते हैं आपको पैसे वैसे कुछ? नहीं, वो हम देते ही नहीं। नहीं, ऐसा अभी से नहीं, ले बच्चों के लिए मिठाई ले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हम करते भी नहीं है। और वैसे मिस किरण का स्केड्यूल इतना होता है कि हम 3-4 डेज पहले से ही बुक किया होता है, पूरे पूरे वीक का। जैसे अभी रमजान आने वाला है, तो इनका रमजान स्टार्ट से ही बिजी हो जाता है, अपॉइंटमेंट्स पहले से नोट डाउन है। अच्छा, आपने खुद को अपना बड़ा सिंपल से रखा हुआ, एक कलर रखा हुआ है, बड़े प्यारे से सिंपल बाल है, तो थक जाती है स्टाइलिंग कर करके? मैनेज नहीं हो सकता ना, आप जितने ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, जितना ब्लीच करते हैं, वो हाई मेंटेनेंस है, तो मैनेज नहीं हो सकता। लाइक आप अपनी रूटीन में पूरा दिन अगर आप फ्लोर पर हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को किस तरीके से सेट कर सकते हैं? ठीक है, फिर आप जितना लाइटर टोन में जाते हैं या कुछ डिफरेंट लुक देते हैं वार्म में या कूल में, तो आपको उसके लिए स्टाइलिंग की भी जरूरत है। बिल्कुल सही, तो वो मैनेज नहीं हो पाता। बिल्कुल सही, तो नेचुरल में ये है कि आप जैसे भी हो वो एक प्रेजेंटेबल लुक तो लग रही है। हाँ, मतलब तैयार बाल अपने स्ट्रेट किए। आपने केराटिन करवाया है? मैंने, कोई नुकसान तो नहीं इसका? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, मैं एवरी ईयर करवाती हूँ। मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा था और थिनिंग बहुत थी, इससे बहुत अच्छी कंट्रोल हुई है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने खुद कहाँ से सीखा? माशाल्लाह आपका इतना ज्यादा नाम है यहाँ, तो खुद ट्रेनिंग कहाँ से ली, आपके उस्ताद कौन है? मेरी बेसिकली उस्ताद आप कह सकती हैं कि सना ही है, सना खान ही है। उस्ताद है बड़ी। हाँ, उस्ताद है, बहुत बड़ा उस्ताद है। इतने बड़ी टीम को चलाना इस तरह दैट इज बिल्कुल जबरदस्त काम है सना का। लेकिन इससे पहले मुझे, क्योंकि इस फील्ड में 27 इयर्स हो गए हैं, इससे पहले ये कि देख देख के कर करके जलील होके, वाकई इसके बगैर गुजारा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये फैमिली ने बहुत कोऑपरेट किया, मेरे पेरेंट्स ने, हस्बैंड ने, सब ने बहुत कोऑपरेट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए या फ्रेंड्स में जो आपके आगे बैठने को एग्री हो, काम करवाने को एग्री हो, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ग्लैम स्ट्रीट की तरफ से हमारी दुबई में ट्रेनिंग्स भी हुई हुई हैं, ठीक है, तो वो बहुत मेरे लिए अपॉर्चुनिटी जो है। अब इसके मैं सना को किसी दिन बुलाऊं, अगर वो आ जाए, वो थोड़ा सा घबराती है कैमरे के आने से, कि इतना लंबा सफर, देखिए सलून यहाँ भी चलाना, उनकी जर्नी बहुत जबरदस्त है। हाँ, मैं वैसे तो छोटा बहुत जानती हूँ, लेकिन चाहती हूँ और लोग सीखें जो काम करना चाह रहे हैं। हमारे पास सबसे बेस्ट ये है कि अनट्रेन सारा स्टाफ आता है, हम खुद ट्रेन करते हैं, ठीक हो गया, अपनी थ्योरी एक्सपर्टीज हम खुद बताते हैं। ओके, उसमें उनका जो भी पहला एक्सपीरियंस है, वो जहाँ से भी सीख कर आए हैं, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। हम अपना तरीका बताते हैं कि इतने मिनट्स का ये काम है, इतने मिनट्स में ही होने, इसमें कोई डंडी नहीं मारी जा सकती। बिल्कुल सही, नो शॉर्टकट्स। और सना की जो आंख है बहुत तेज है। अच्छा। वो दूर बैठे भी देख लेती है कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई है। वो आंसरेबल है ना, क्लाइंट तो फिर पूछता है फिर। अच्छा, 27 साल पहले ऑलमोस्ट
26-27 ईयर्स हो गया ना, 27 साल पहले जब आपने सोचा था कि मैंने ये काम करना है, उस वक्त इसकी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी इस काम की? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। कोई नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं था। न्यूज़पेपर एक तब अखबार जहां और मैगजीन आया करते थे कुछ, तो मैं उनमें देख देख कर फीचर्स पढ़ पढ़ कर तो मैं वो किया करती थी। तो एक छोटे से सैलून से मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था, तब मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी। तो जो समर वेकेशंस होती हैं उसमें एक छोटा सा कोर्स किया था। तो बस तब से ही एक शौक था कि मुझे यही करना है। हालांकि मेरे फादर, मेरी फैमिली इस बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। हमारे खानदान में कभी नहीं किसी ने ये काम ये नहीं कि हमसाये में जाके आपने सीखना शुरू किया था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उस हमसाये ने बताया मुझे मैंने वो सैलून वायदा भी अभी भी है हाँ, अभी भी है। तो वो कहते किरण अब तुम अब हमारे पास आ जाओ। काफी दफा उनकी कॉल आई है मेरे एक दो रेफरेंस के थ्रू कि अच्छा? उन्हें कहो कि मिलें, लेकिन टाइम मैनेज नहीं होता नहीं होता। जिंदगी आगे से आगे है ना। एग्जैक्टली भाग रही है, मुझे भाग रही है जिंदगी। अच्छा उस वक्त जब आपकी एक्सेप्टेंस नहीं थी तो फिर कैसे मनवाया इस काम को? फादर मेरे माशाल्लाह से, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे आमीन, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शौक है तुम करो, बस ऐसे लगता था जैसे मुझे इसकी ज़रूरत है। नीड नहीं थी मेरी तब तो खैर बिल्कुल भी नहीं थी। तो लेकिन ये कि उस वक्त सपोर्ट की वजह से मैं थोड़ा आगे चली गई। अब ये कि अब फैमिली की ओवरऑल सपोर्ट है, हस्बैंड की सपोर्ट है, उन्होंने देख लिया कि काम अच्छा कर रही है और लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इज्जत है इसमें, तो क्या हर्ज है। और ये कि तब के ट्रेंड्स में और अब में बहुत फर्क आ गया है कि पहले लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, सही, अब तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल सही, हर घर की जरूरत है ना, हर घर में बन गया है सैलून। अब तो हर घर में इंटरनेट ने इतना जरा ओवर क्वालिफाइड कर दिया है। जी बिल्कुल, कि हर किसी, हर के पास नॉलेज है। अच्छी बात है कि लड़कियों के पास अब नॉलेज है, वो अब सवाल पूछ सकती हैं आपसे। बिल्कुल पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं। इनफैक्ट जब हम अकोमोडेट कर लेते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्लाइंट से, तो 80% कंसल्टेशन तो वो हमारे साथ ही कॉल पे कर लेते हैं। और ऑल्सो मिस किरण ने हमें इतना ट्रेन कर दिया है कलर्स में, चीज़ों में, ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो कंसल्टेशंस होती हैं वो हम क्लाइंट्स के साथ कॉल पे कर रहे होते हैं। अच्छा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रेंड में आई होती हैं और हेयर स्टाइलिस्ट को उनका नॉलेज होता है, हमें अभी नहीं होता है। अच्छा। तो क्लाइंट्स पूछ रहे होते हैं हमसे, तो वहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि वो फिर मिस किरण से हम बात करवा देते हैं या इनके साथ मिलके डिस्कस करके। अच्छा, तो वाकई हंसती है, मजबूरन हंस रही है कि तुम्हारा काम ऐसा है? लड़की हंसने वाली पर्सनालिटी, हां मिले और हंसी जा रही है, शायद काम का हिस्सा बन गया। सना ने इतना पक्का कर दिया, फील ऐसी है कि वो एक नेचर बन जाती है। बाल खराब हो गया आपके, कोई बात नहीं, खैर है। नहीं ऐसे ही है, नेचर ऐसे ही है। नहीं, सम टाइम गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन हम बस नेचुरली कंट्रोल कर लेते हैं। और बस जब किसी क्लाइंट पे गुस्सा आता है तो क्या एक दूसरे पे निकाल देते हो कि क्लाइंट को कुछ नहीं कह सकते? क्लाइंट को हमने कभी गुस्सा नहीं किया। जब क्लाइंट होती है ना, कुलीग्स पे निकाल दिया किसी बात पे, तो उसका गुस्सा मैं तुम पे निकाल रही हूं। हां मैं इस पे बहुत निकाल रही हूं, गुस्सा बहुत निकालती हूँ, और बाद में अपोलोजाइज भी कर लेती हूँ, पास भी जाती हूँ। यार उस वक्त की सिचुएशन को समझो, देखो क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट था, मैनेज करो, सना से बात करो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर बाद में कहती हूँ अच्छा काम हो गया ना, खैर है कोई बात नहीं। वो भी तुम्हें समझ जाती होगी कि ये अंडर प्रेशर ऐसी बात कर रही है। बिल्कुल नहीं, मैं इनको अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। माशाल्लाह से इनका काम ही इतना अच्छा है, क्लाइंट इतना ज्यादा होता है, तो फिर ऑब्वियसली इनका गुस्सा करना, फिर मैं कहती हूँ इट्स ओके, मेरी भी मिस्टेक है, मैंने ऊपर नीचे अपॉइंटमेंट्स ली है। कोऑर्डिनेशन कितनी जरूरत होती है एक अच्छे बिजनेस के लिए किरण? 100% कोऑर्डिनेशन होनी जरूरी है। इवन मेरे पास अगर रात को 12-1 बजे भी अपॉइंटमेंट आ रही है, तो मैं इसको उसी वक्त नंबर के साथ और डिटेल के साथ सेंड करती हूँ। मेरे खुद की अपॉइंटमेंट के अलावा भी मेरे पास अपॉइंटमेंट्स आ रही होती हैं। मेरा अलग रिसेप्शन नंबर नहीं है, पर्सनल नंबर है, लेकिन क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है। कोई अगर लाहौर से आ रहा है आउट ऑफ, कल मेरे पास जो क्लाइंट थी वो एबटाबाद से आई थी, वो डायरेक्टली आई थी, 6 आवर्स उनके हस्बैंड ने बाहर वेट किया और वो सर्विस करवा कर पाकिस्तान में मतलब वो हस्बैंड को दादा देनी चाहिए 6 घंटे बैठे हैं। जी जी, और मैंने स्पेशली उनसे पूछा कि आप यहाँ ही क्यों, कहती मैंने गूगल सर्च किया, ग्लैम स्ट्रीट का नाम टॉप ऑफ लिस्ट आ रहा था, तो मैंने फिर आई हफ्ते बाद से। जी जी, और आज सुबह 7:30 उनका मैसेज आया कि मेरी फैमिली को काम बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, जबरदस्त। इनके हस्बैंड को बुलाना है हमने, कुछ हस्बैंड के सर पर हाथ फेर दें वो भी ऐसी हो जाए। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं स्टाइलिंग के हवाले से, और लेकिन हमारी शेफ कहाँ पहुंचे चावल आपके? मेरे चावल डन ना, डन हो गए। आपके देख लूं मैं, आज ही चश्मा लगा के देखने जाऊंगी मैं कि चावल कहाँ तक पहुंचे हैं। दिखाएं जी चावल। किरण खाने का शौक है? चावल चावल कि डाइट कॉन्शियस? सब खाते हैं, सब खाते हैं जी। जो चावल नहीं खाते उनको सजा मिलेगी। नहीं खाने चाहिए, खाने चाहिए, और क्या ये डिश छोड़ने वाली एक ही हमारी टीम में जो नहीं खाता चावल।
आज उन्हें भी खिला देंगे, खाएंगे, जबरदस्ती खिलाएंगे। ये जी रेडी हो गया। मैं इसमें ना पहले डिश आउट कर देती हूँ, आपको दे देती, ठीक है? बट ये काफी है मेरे लिए तो डिश। आप ऐसा करेंगे, ले लीजिए, मैं यही उठा कर ले जाती हूँ। भैया हमें चम्मच चाहिए और प्लेट चाहिए गुलदाद भाई जी। और ये देखें कि कलर्स कितने जबरदस्त। अगर यहाँ पे मैं कलर ऐड कर देती ना एग में येलो, येलो ना, तो बहुत ज्यादा जो है वो इनहेंस हो जाती और कलर। तो ये देखें जी, और देख लें कोई चावल जुड़े हुए नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है। और ऑयल मैंने आपके सामने जो है बहुत कम इसमें ऐड किया था, 2 से 3 चम्मच ऐड किए थे, इससे ज्यादा नहीं। आई थिंक काफी है, काफी है ना, मेरे लिए काफी है, आपके लिए काफी है। मैं चावल बहुत खाती, क्या करूँ मैं, आई ईट चावल ऑल द टाइम। अच्छा ये मैं इस पे जरा से ऊपर से, हाँ ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको यहीं से इससे डाल दूँ, यही अभी स्पून, इससे शर्मिंदगी की बात क्यों हुई, मैं खा रही हूँ, मेहमान देख रहे हैं, मैं काफी है काफी। हम ब्रेक के बाद चेक करेंगे। आ रहे आ रहे चम्मच आ रहे, गुलदार भाई जो कह रहे आ रहे आ रहे चम्मच आ रहे, जब तक नहीं आ रहे। आप टेस्ट तो कर रहे हैं ना, जब मैं टेस्ट तो करूँ ना, आप रोक कैसे सकते हैं, हम अपने आपको रोक कैसे सकते हैं। नमक सही है? बस ठीक है, जबरदस्त। ये मेरे कितने बार पास कर दिया ना, बस ठीक, बहुत मजे का बना है भाई। आपको इतने अच्छे लगे कि आपने ग्लासेस ही हटा दिए। हाँ दूध आ रहा था उसके ऊपर। हमारे साथ मसला क्या होता है ग्लासेस वालों के साथ, अभी देखना थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है स्टीम आनी शुरू हो जाएगी। एक के चार नजर आ रहे होते, लेकिन जबरदस्त, बहुत ही मजेदार बनाया जी ज़ैनब ने। थैंक यू। चाइनीज राइस कामयाब हो गया। अरे तुम्हारा कुछ सवाल है बालों के हवाले से? बालों के हवाले से मेरा ये सवाल है जो हर लड़की का ही होता है, मेरे बहुत पतले बाल हो गए हैं, या तो हेयर स्टाइलिंग करने की वजह से मुझे लगता है, बहुत मतलब अभी भी जैसे अभी मेरा फ्रेश वॉश है और उसमें अभी मुझसे हेयर स्टाइलिस्ट पूछ रहे थे जब मेरे स्टाइल कर रहे थे, तो मुझे ये कहे थे कि आपका ऑयल है, आपने ऑयल लगाया हुआ है स्कैल्प पे ना, यहाँ पे आपका फ्रेश ऑयल आ जाने के बाद भी ऑयल फील होता है, तो आप बताएं कि ये क्या रीजंस हैं और क्या मुझे एहतियात करनी चाहिए? एक तो ये कि बॉडी डिहाइड्रेट है, पानी की कमी है, जिसकी वजह से आपका, वैसे ही हम पानी कम पीते हैं, आपका जो नेचुरल ऑयल बन रहा है वो बालों में ज्यादा इनटेक कर रहा है, तो आप उसके लिए पानी और जूसेस का, फ्रेश वेजिटेबल सैलड्स का इस्तेमाल करें। सेकेंडली अगर बालों में आयरन आप यूज़ कर रही हैं तो उससे विद इन अ मिनट आपका, अगर फ्रेश वॉश भी हुआ हुआ है तो आपका नेचुरल ऑयल ज़्यादा बनता है, एंड्स ड्राई पड़ जाते हैं। हॉट टूल्स छोड़ दें, हॉट टूल्स छोड़ दें, हॉट टूल्स छोड़ दें, गुजारा कैसे करेंगे फिर? कैरेटिन करवा, कैरेटिन करवा लें, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, नहीं नहीं प्रोटीन ट्रीटमेंट कुछ भी आप ले सकते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स तो ले लेती हूं मैं। स्मूथनिंग कैरेटिन अगर नहीं ले सकते क्योंकि किसी के बालों को सूट नहीं करता, तो आप स्मूथनिंग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है जी। बालों के हवाले से जो भी इशू हो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514100251। अब हम बात करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या ट्रेंड आ रहा है, ईद पे क्या ट्रेंड होंगे और समर से क्या ट्रेंड होंगे। समर के हवाले से किया था लेकिन चले, आने वाले समर में क्या ट्रेंड होगा, बालों कट क्या चलेंगे? आपने हमें समर के लिए बुलाया था लेकिन आप विंटर में हैं, हम दो जोन में चल रहे हैं, दो जोन में चल रहे हैं। अच्छा इस दफा मेरे पास थोड़ा चेंज है, काफी ज्यादा ठीक है, चेंज ऐसे कि लोग थोड़ा फंकी कलर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, रूटीन वाइज लोग वार्म कूल इन सब चीजों से थोड़ा हट के जा रहे हैं। ये 6 मंथ्स में मैंने फैशन कलर न्यू जनरेशन का बहुत ज्यादा किया है, ठीक हो गया, लोग फंकी कलर की तरफ जा रहे हैं, पिंक रेड पर्पल ब्लू मल्टी कलर्स में ज्यादा। और ये कितना देर स्टे करता है रंग ये? मेनी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके बालों की क्वालिटी अच्छी है या उन्होंने प्रोटीन बालों की इतनी अच्छी रखी हुई है कि उनका बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, इवन ब्लू कलर पिंक कलर भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चल रहा है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये सब कलर जो है विद ब्लीच है। अच्छा, इसमें 2 कलर ऐसे हैं, एक प्लम और एक रेड जो विदाउट ब्लीच है, ठीक हो गया, और बहुत अच्छा कलर है, मोस्टली क्लाइंट्स मेरे जो हैं वो इसी पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये कि आप अगर वैसे समर ट्रेंड्स की बात करें तो लास्ट ईयर हमारे पास समर ट्रेंड्स में वार्म फैमिली ज्यादा थी, ब्राउन वाले कलर्स, बट इस दफा हमारे पास एश की फैमिली के कलर्स ज्यादा है। लाइक क्लाइंट की अगर डिमांड है ना तो वो वार्म में नहीं करवा रहे हैं, वो थोड़ा कूल में जा रहे हैं, कूल में आपके एश हो गए, स्मोक के कलर हो गए, बेज वाली फैमिलीज हो गई, वो क्लाइंट ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अगर किसी को फंकी कलर्स ना चाहिए हो, मिडिल एज खवातीन है, तो उनके लिए वही वार्म कलर्स चल रहे हैं इस दफ़ा भी? वार्म में भी चल रहे हैं, और डिपेंड करता है ना आपके बालों में, जैसे मेरे कलर में बालों में वार्म है, ठीक तो है, मुझे अगर वार्म से कुछ चेंज करना है तो मैं इसमें थोड़ी फॉइल्स लगवा लूँगी, लो लाइट्स करवा लूँगी या अपने ग्रेस के साथ ब्लेंड करवा लूँगी, ठीक। तो मोस्टली क्लाइंट जो हैं वो जो
आपका 35 प्लस है, वो आपका अपने ग्रेस के साथ ब्लेंड करवा रहे हैं, ठीक है, आपके ग्रेस का लेवल नेचुरल भी लगे, और अगर ग्रो कर रहे हैं तो नेचुरल के साथ आपका बेस कलर जो है वो ब्लेंड करे, ना कि आपको हर 15 दिन बाद जाके रूट टचअप करना पड़े। पहले ये होता था कि आपके ग्रेस 100% कवर होने चाहिए, और ऐसा ट्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि मेरे ग्रेस ब्लेंड हो, कवर बेशक ना हो लेकिन लाइटर कलर में हो, सही, तो उसमें 100% ग्रे कवरेज की कोई गारंटी नहीं है। हम कहते ही नहीं है कि हम 100% ग्रे कवर, आप उन्हें बता देते पहले से। हाँ हाँ, पहले बताते हैं, मैं किसी क्लाइंट के साथ ब्लाइंड नहीं खेलती, बिल्कुल पहले से बता देती हूँ कि बाल इतना डैमेज होगा, इतना गिरेगा, ये कलर इतना स्टे करेगा, आपको इसके बाद हमारा एक कंसल्टेशन आफ्टर केयर क्या है, आफ्टर केयर क्या है, वो सब एक कंसल्टेशन फॉर्म है जिसमें मेंशन है कि आप इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद, इवन जो रात वाली मैंने क्लाइंट काम किया जिनका मैं अब्टाबाद का कह रही हूँ, उन्हें मैंने वन वॉश की भी गारंटी नहीं दी। अच्छा। मैंने कहा कि लाइटनिंग के बाद मे बी आपका एंड वाला 4 इंचेस का बाल ब्रेक होकर गिर जाए, झड़ जाए। अच्छा। क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी, ठीक है, लेकिन उनका जो प्रोटीन ट्रीटमेंट हुआ, बॉन्ड ट्रीटमेंट किया, सीलिंग बॉन्ड होता है जो बालों को फौरन उसी वक्त बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर बाल हील अप कर देता है, बिल्कुल सही, आपके क्यूटिकल को लॉक कर देता है। तो उनका वो ट्रीटमेंट हुआ, तो जो मैंने उन्हें कंसल्टेशन फॉर्म पर मेंशन किया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती हैं आपने तो ऐसे बोला था, मैंने कहा बोला ऐसे था क्योंकि मैंने आपका जो एक स्टैंड टेस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो फेस करना ज़रूरी है, वो आपको रियलाइज करवाना ज़रूरी है कि आप इतनी हैवी अमाउंट दे रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बाल आपके कितने डैमेज हो रहे हैं, कितने ड्राई पर जा रहे हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन क्लाइंट को पहले से इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि हम जो सर्विस उसको दे रहे हैं वो इतनी अमाउंट में है और वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग जाएगी, और उनको नेक्स्ट विजिट के लिए कब आना है। अच्छा सही, तो ये सब क्लैरिटी हो जाती है कि आपने इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद विजिट करना, और उसी बात हर चीज रिटन फॉर्म में होती है, आपके पास एक प्रूफ होता है, तो हमने बताया हुआ था आपको, बिल्कुल, क्योंकि लोग फिर भी जाते हैं, ऐसे ही है, ऐसा होता है। जनाब 0514102251 पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मीनवाइल आपके लिए एक और गाना हमने रखा हुआ है, गाना सुनेंगे, वापस आएंगे, पूछेंगे कि खवातीन के लिए कौन सा करियर जो है वो थोड़ा सा आसान है, बताएंगी हमें किरण, और उनके साथ बैठी है नायला। हाँ, एकदम से मुझे ले आए फॉरन ही। अच्छा चले जी, वेलकम बैक, हम देख रहे हैं K2 शहर, हम बात करने किरण इमरान से, हमारी शेफ ने बना दिए बहुत ही खूबसूरत से, खूबसूरत इसलिए कहती हूँ जो देखने में अच्छे लगते हैं ना उसे खाने का भी मजा आता है, चाइनीज राइस बनाए हैं जो कि आज आप बना सकते हैं। साथ बैठी है नायला उमर जो कि फ्लोर मैनेजर है ग्लैम स्ट्रीट में। अच्छा नायला, ये बताएं कि इसकी ट्रेनिंग होती है बगैर रिसेप्शनिस्ट होने की, फ्लोर मैनेजर की आपको भी ट्रेन किया गया है? यस बिल्कुल, ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी, और हेयर स्टाइलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेशंस पहले कराई जाती हैं, कैसे आप लोगों ने उनके साथ डिस्कस करनी है चीज़ें, मैनेज करनी, इवन के हमें भी कलर्स की ट्रेनिंग्स, जो भी ट्रेनिंग्स स्टाइलिस्ट की होती हैं वो सारी करवाई जाती हैं ताकि हम उनके क्लाइंट को थोड़ा बेहतर तरीके से गाइड कर सकें इन केस अगर वो बिजी हैं तो। अच्छा, और कॉल्स पे जब इनकी अपॉइंटमेंट बुक करनी हो तब भी, और मिस किरण के साथ स्पेशली रखा गया है मुझे। चलिए मैं आपकी क्लाइंट बनके कॉल करती हूँ आपको कि आपने मुझे अपॉइंटमेंट आज ही लेके देनी है, ठीक है, देखती हूँ आप कैसे हैंडल करती हैं, ठीक है। फर्स्ट करें मैंने कॉल मिलाई आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ग्लैम स्ट्रीट से बात करें? जी जी, मैं ग्लैम स्ट्रीट। अच्छा, मैं स्पेशली आ रही हूँ यूके से, अभी यूके से कॉल कर रही हूँ, सीधा लैंड करूंगी आपके सलोन के बाहर, और मुझे किरण से ही जो है ना कट और डाई करवाना है। I sure ma'am, it's possible. What time would you like to come? मैं बस आप बस जो 6-7 घंटे लगेंगे बस उसके बाद मैं सीधी उधर पहुंचूंगी, बट किरण से कराना है, आज अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आज की? मैम मैं उनका स्केड्यूल चेक करके आपको अभी कंफर्म कर देती हूं। मतलब मैं इतनी दूर से आऊंगी, आप स्केड्यूल चेक कर रही हैं मेरे लिए? मैं किरण को जानती हूं, बचपन में साथ खेला करते थे। Sure ma'am, no problem, आप आ जाइएगा, मैं अकोमोडेट कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। देखिए मुझे आपने वेट नहीं कराना, मेरे बेटे की शादी है और मैं बहुत डांटी किस्म की सास हूँ। I'll try my best ma'am, don't worry, आप आ जाइएगा, मैं चेक करके आपका स्टार्ट करवा दूंगी। दरवाजा खुला, मैंने लाइन भी कर लिया, मैंने कुछ ऐसे लोग भाई तो बड़ी अच्छी है, मतलब कोई उसने कोई सवाल जवाब भी नहीं किया। ऐसे कैसे बुला रही हो? आपको इन्फॉर्म करूंगी आपकी फ्रेंड है ना। अच्छा किरण को पता नहीं अपॉइंटमेंट भी होगी तुम्हारी है? नहीं, ऐसा अक्सर होता है, अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी, 4 क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। मिस किरण आपकी एक क्लाइंट है, मैंने यहाँ बिठा दी, मैं रेडी करवा रही हूँ। नायला ये जो 4 बैठे हुए मैं इनका भी कर रही हूँ। हाँ, तो आप, मैं इनको चाय कॉफी दे रही हूँ ना, आप उनका स्टार्ट कर लें, मैं कैसे कर लूँ? उनका जो काम करी हो, भी उन्हें डाई नहीं लगाया, मैं क्या करूँ?
अच्छा मैं करती हूँ कुछ, आप स्टार्ट करें, मैं आ रही हूँ। क्या करती हो, क्या करती हो, हेड मसाज करवाती थी। यस, कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस हो जाती है या उनकी जो अदर सर्विसेज होती हैं स्किन, वो पहले करवा लें आप, वो आप पहले करवा लेते हैं। लाइक जो ऑलरेडी मेरे पास क्लाइंट बैठे हुए हैं उनमें से अगर किसी और की कोई सर्विस है, लाइक मोस्टली क्लाइंट्स का वेटिंग टाइम होता है शैम्पू यूनिट पर, उनकी फेस थ्रेडिंग हो रही है, डाई के बाद जो बाकी सर्विसेज हैं वो एड ऑन हो जाती हैं, इसका टाइम मैनेज हो जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ क्लाइंट्स आते हैं मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, और वो 10 मिनट के बजाय 3 मिनट में पहुंच जाते हैं, वो मारी खड़ी होती थोड़ा नहीं, वो बस पार कर रही होती है गाड़ी। बिल्कुल, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, हम लोग बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं, जो क्लाइंट्स वगैरह भी आते होंगे क्योंकि मेरी पब्लिक डीलिंग कहीं ना कहीं रहती है, तो बड़ा इजीली लोग जो है वो बड़ी सफाई के साथ झूठ बोल के जो है वो टाइम वगैरह भी आगे पीछे कर सकते होंगे, जी हम पहुंचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं, देखो मैंने करवाना शादी पे जाना है, चाहे एक हफ्ते बाद शादी, मुझे पहले आप अपॉइंटमेंट दे दें। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है कि क्लाइंट ने मुझे कॉल की है, मुझसे बात की है, अपॉइंटमेंट नहीं ली है, लेकिन इसको कॉल आ गई है, मुझे किरण ने कह दिया आ जाओ मैं कर लूंगी मैनेज। मैं जब इसको बताती हूँ कि ये देखो मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि हर चीज़ हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, मेरी कोई कमिटमेंट नहीं हुई, मैंने कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेंड किया है, आप जानो और क्लाइंट जाने। तो ये कहती है कि उन्होंने कहा है कि मेरी किरण से बात हो गई है, मैंने कहा यार आप मुझे जानते हो ना, कि मैं आपको बताए बगैर अपॉइंटमेंट नोट डाउन नहीं करती हूँ, वो आपका काम है, क्योंकि शेड्यूल आप चेक कर रहे हो, सिस्टम को आप अपडेट कर रहे हो, तो जब आप देख रहे हो तो मैं कैसे टाइम दे। मुझे क्लाइंट ने बोला है कि आपने उसको बता दिया टाइम कि आप इतने बजे तक मौजूद हैं, आप काम कर लेंगी, आपने मुझे कहा मैं तो 6 बजे आज ऑफ कर रही हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो 7 बजे आ रही हूँ, 8 बजे तो शिफ्ट गाड़ी आ जाएगी, आप कैसे मैनेज करेंगे। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ और ये भी है कि क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर एक ने सीख के यूट्यूब से सीख के सलोन भी बना लिए, एस्थेटिक प्रैक्टिसिंग भी कर रहे हैं, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है कि जो सही काम करने वाले हैं उन तक बिगड़े हुए केस भी पहुँच रहे होते हैं, ऐसे स्पॉइल्ड केसेस आते हैं आपके पास भी और आपके पास भी। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स कहीं और से सर्विसेज ले जाते हैं। ये नहीं कह रहे हम कि बाकी लोग बहुत बुरा काम करते हैं, उनका बुरा है, जो बुरा करता है वो उसको कहना चाहिए, नहीं दिलाजारी हम नहीं कर सकते, हमारा राइट नहीं ना बनता कि हम किसी को भी गलत कहें, लेकिन आप गलत होगी आइंदा आपने नहीं करवानी ये चीज़ ये, बट हमारा मानना है कि अगर क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर दे पहले ही, तो उनको फिर वो चीज़ अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हुई है तो उनको फिर वो लगता नहीं है कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया है कोई उनके हेयर के साथ, तसल्ली दे देते हैं, तसल्ली हो जाती है उनको कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। अच्छा जी, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें, स्किन के हवाले से हेयर के हवाले से कुछ सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू K2 से, कौन बात कर रही है, कहाँ से जी? मैं मारिया बात कर रही हूँ, हासिलपुर से। मारिया क्या हाल चाल है, खैरियत से हो? जी मैं कैरियर सी हूँ, आप सुनाएं। क्या सुनाओ आप बताएं, कुछ सवाल करना है आपने? जी ये मैंने पहली दफा किसी भी टीवी शो में कॉल किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास स्किन स्पेशलिस्ट आए हुए हैं आज? मेरे पास हेयर स्पेशलिस्ट आई नहीं है, हेयर के हवाले से हम बात करें। जी बारिये दोबारा कॉल कीजिए 0514102251। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हमारे पास आई हुई है हेयर स्पेशलिस्ट, बाल डाई करने हैं, बाल डैमेज हो गए हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको किरण से पूछ सकते हैं, और इसको मैनेज कैसे करती है वो बताती है नायला। हम बात करें आज आने वाले ट्रेंड्स के हवाले से, लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर ट्रेंड था वो बड़ा शॉर्ट कट था बालों का, पिक्सी कट कह लें या क्रॉप बॉब कह लें, अब क्या चल रहा है? एंगल बॉब चल रहे थे, अभी लोग स्ट्रेट वन लेंथ यू शेप में करवा रहे हैं और फ्रंट लेयर कट एंड बैंग्स के साथ। ठीक है, मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं अभी उनका फोकस इसी पर है, बिकॉज ये कि जब आप विंटर से समर की तरफ जाते हैं तो ऑलरेडी आप गर्म पानी का इस्तेमाल इतना कर चुके होते हैं कि एंड्स आपके रफ हो चुके, तो नहीं करना चाहिए इतना गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मीडियम वार्म वाटर यूज करना चाहिए। मुझे तो जब तक बाथरूम में नजर आना खत्म ना हो जाए तो सही नहीं होती है, इतनी भाप हो जाए ना तो उसमें जाती हूं दर्द होने। अच्छा ठीक ठीक, नहीं होना चाहिए, नहीं होना, स्किन के लिए भी नहीं अच्छा है। वैसे ओवरऑल अगर हम हेयर थेरेपी देखें तो उसमें हॉट वाटर बहुत बेस्ट है, ठीक है, आपके पोर्स ओपन करता है हेड के, लेकिन स्किन के लिए डेंजरस है कि आपके पोर्स ओपन होके खुल जाते हैं मसाम, लेकिन बालों के मसाम खुलने जरूरी हैं। ये क्या कंफ्यूजन है अभी, सर के मसाम खोलने मुंह के बंद करने? मुंह के बंद करने हैं। फेस पर अगर गर्म पानी लगेगा तो आपकी रिंकल्स और छाइयां पड़ेंगी, आपके पोर्स ओपन होके, लाइक जैसे अगर फाउंडेशन लगी हुई है या आप ऑरेंज पील स्किन जो होती है, जी जी वो अच्छा से हो जाती है। लेकिन अगर आप हेयर में कोई थेरेपी देख रहे हैं, डाई को, डाई के कॉन्सेप्ट को आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक साइड पर करें, लेकिन अगर आप हेयर की कोई थेरेपी करना चाहते हैं तो उसके लिए हॉट वाटर बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि आप गर्म पानी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बाल डाई हैं
तो कलर उड़ जाएगा. कलर उड़ जाएगा. ओके. कलर को लॉक करने के लिए कूल वाटर बेस्ट है. नमूनिया करा लो लेकिन लेकिन ठंडा पानी इस्तेमाल करना है ना. हाँ. लेकिन जरूरी है ना. नो पेन नो गेन वाली बात है. जी बिल्कुल. तो आप चल रहे हैं फ्रंट लेयर चल रहा है और यू शेप में कर्टन बैंक्स के साथ फ्रंट लेयर चल रही है, बैक यू शेप चल रही है. या अगर हेल्दी बाल हैं तो उसमें मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो लेयर के साथ आपके स्टेप्स करवा रहे हैं और क्राउन पर कहते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा हो. हालांकि पहले से ही वॉल्यूम होता है लेकिन फिर भी मोर देन वॉल्यूम चाहिए. ऑलरेडी किसी के बस ही कटे हुए बाल हों और बोले कि जिसको आप मजीद कुछ शेप दे दें तो लेंथ शॉर्ट किए बगैर हम शेप कर देते हैं. हो जाता बहुत अच्छी हो जाती है. ठीक हो गया. सर्टेन लेयर्स में सर्टेन एज के लिए सर्टेन डिजाइन हेयर कट्स होते हैं या हर कट चल सकता है हर एज के लिए. डिपेंड करता है आपके बालों की थिकनेस वॉल्यूम कितना है उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है. वो उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ पर कितना चाह रहे हो. क्लाइंट आ रहा है मुझे ना असल में बाल कटवाने हैं. अच्छा. मैं थोड़े ज्यादा कटवाने हैं आप ऐसा करें इतना काट ज्यादा मैं यू हो जाती हूँ. जी जी ठीक है. ये बहुत ज्यादा बता दिया आपने. अच्छा ऐसा होता है. होता है बिल्कुल सही है. होता है ऐसा. होता है जनाब. क्या करें जिनके पास नहीं है बाल उनसे पूछें बोलेंगे बाल बाल बच गए. लेकिन बहुत जरूरी है कि इनका ख्याल भी वैसे ही रखा जाए. अगर आप करवा रहे हैं डाइस कर रहे हैं हॉट टूल्स यूज कर रहे हैं क्योंकि मर्द हजरात भी अब उतना ही यूज करते हैं जितनी खबर ऐसे ही है. कौतिन बदनाम ज्यादा है. तो उसकी आफ्टर केयर क्या होती है. आफ्टर केयर रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं होम केयर प्रोडक्ट्स हैं लाइक आपका कैराटिन है तो कैराटिन के साथ कैराटिन की ही प्रोडक्ट शैम्पू वगैरह की बात कर रहे हैं. शैम्पू कंडीशनर और उसका सीरम होता है. अगर आपका डाई है सिंगल एक डाई है तो कलर के अकॉर्डिंगली आपका अगर वॉर्म है तो वॉर्म में भी आपको रेड नहीं चाहिए लेकिन ब्राउन की जितनी फैमिली है उसमें रेड और ऑरेंज ही प्रोमिनेंट होता है. तो उसके एंटी शैम्पूज आ गए हैं. आपको एंटी शैम्पूज यूज़ करने पड़ते हैं जिसका आप में पिगमेंट कंट्रोल होता है. लाइक रेड के लिए आपको ग्रीन शैम्पू यूज़ करना है जो अंदर से ग्रीन है. बॉटल ग्रीन नहीं है शैम्पू अंदर से ग्रीन है. अच्छा सही. फिर आपको अगर अपना येलो पिगमेंट कंट्रोल करना है तो उसके लिए पर्पल शैम्पू यूज़ करना है. फिर आपको अपना ऑरेंज येलो पर्पल शैम्पू पर्पल है. फिर आप अपने कलर्स डाई में भी एंटी कलर्स यूज़ कर सकते हैं. लाइक आपने डाई मिक्स किया उसमें आप अपना एंटी कलर भी ऐड कर सकते हैं. ओके. कि आपने फॉरेन क्लाइंट को जैसे कि येलो लाइट सैलून में होती हैं ठीक है तो क्लाइंट को अपना हेड क्राउन जो है वो बहुत येलो या ऑरेंज लग रहा होता है ठीक है तो उसके लिए हम फॉरेन कवर करने के लिए एंटी कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ठीक है. क्लाइंट को वो पिगमेंट ना नजर आए जो अनवांटेड है उसे वो पिगमेंट दिखाई दे जो वो चाहता है. तो ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं. बिल्कुल सही. अच्छा नायला आपको कोई फेवरेट कोई क्लाइंट लगता है कोई जो आपको वेट करती है उसका कि ये आंटी नहीं आई है ये खातून नहीं आई होता है. बहुत सारे क्लाइंट हैं. कोई एक दो के नाम लेना चाहेंगी. अच्छे वाले को पूछूंगी गंदे वाले को. नहीं गंदे मुझे कोई भी नहीं लगते सारे ही अच्छे हैं. बट फेवरेट कुछ क्लाइंट हैं लीना अली हैं ठीक है वो हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट है. उनके साथ बहुत फन भी करते हैं काम करने में. उसके बाद अस्मा मुमताज हैं नादिया अकील हैं और भी क्लाइंट्स हैं बट अभी याद नहीं आ रहे सारे लेकिन बहुत अच्छे क्लाइंट. फैमिली जैसी बन जाती होगी ना जैसे कि फैमिली इंतजार रहता है क्लाइंट्स का. अच्छा अच्छा. कि आए नहीं अभी तक कॉल करके पूछते हैं हाँ किरण मैंने आज ही आपको कॉल करनी थी काफी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई. बहुत सारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी बर्थडेज होती हैं तो वो हम अपनी तरफ से विश कर रहे होते हैं. सो स्वीट. और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मदर्स की तरफ से या डॉटर की तरफ से मदर को या मदर इन लॉ की तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज होती हैं कि आप उनको मत बताइएगा उनसे बिल ना लीजिएगा मेरे साथ आई हैं तो उनकी आज बर्थडे है तो वाउचर्स वगैरह दे देते होंगे. वाउचर्स दे देते हैं फिर हम उनको अपनी तरफ से केक वगैरह विश करते हैं. क्या बात है. लड़कियां अरेंज कर लेती हैं सरप्राइज पार्टी उनको दे देते हैं. अभी हमने लेना है ब्रेक. ब्रेक के बाद हमने बात करनी है सोशल मीडिया पे जो ये लोग छाए हुए हैं वो कितना जरूरी है चाहे वो टिकटॉक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो बिजनेस के लिए उसको बूस्ट करने के लिए आजकल डिजिटल जमाना है उसको कैसे किया जाए हमें कॉल कीजिए. फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक. आप देख रहे हैं K2 सैर हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक टू K2 शहर. मैं हूँ रिदा इमरान और हमें खूबसूरत से मौसम में खूबसूरत मेहमानों के साथ इंजॉय कर रहे हैं आज का दिन. और जाती सर्दी है अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे पास तमाम नेमते हैं मौसम के हवाले से भी मौसम के फलों के हवाले से भी. और सबसे बड़ी नेमत जो मुझे लगती है वन ऑफ द बिगेस्ट नेमत जो हमारे पास है वो एक अच्छे बालों का होना और उससे बड़ी होती है कि अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट होना हमारे पास है ना. कितना इंपॉर्टेंट होता है. एक्जेक्टली ऐसे ही है. अच्छा सोशल मीडिया पर आप लोग बड़ा एक्टिव होते हैं क्लाइंट्स के साथ भी आप लोग वीडियोस बना रहे होते हैं मार्केटिंग भी हो रही होती है तो कितना इंपॉर्टेंट होता है आप दोनों बताएंगी मुझे सोशल मीडिया का एक्टिव होना लोगों तक रीच आउट करना.
कौन बताएगा पहले? सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो खुद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं, वो किस सोर्स से हमारे पास आए, उन्होंने गूगल सर्च किया, किसी वर्बली किसी ने बता दिया, किसी के बाल देखकर मार्ट वगैरह में या मार्केट में किसी ने पूछ लिया। अच्छा। फिर कोई अगर गूगल सर्च कर रहा है तो उस पर हमारा नाम कितना टॉप पर जा रहा है, किस हेयर ड्रेसर का नाम जा रहा है, कौन सा सैलून जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि क्लाइंट जब आ रहा है तो हम उसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप किसके रेफरेंस से आए। अच्छा, सही। रेफरेंस से आए या मीडिया पर देखा उन्होंने, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सेकेंडली, इनकी एवरी मंथ मीटिंग होती है इसके अकॉर्डिंगली कि आपको क्या चीज़ फेस करनी है। अच्छा, वो क्या होता है? एवरी मंथ हमारी ट्रेंड्स को लेके होती है। सोशल मीडिया पर पहले हम देखते हैं हमारे ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक, पाकिस्तान में बाहर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसको अकॉर्डिंगली फिर हम अपने स्टाइलिस्ट के साथ करते हैं। एंड देन हमारी सोशल मीडिया पर हम कैंपेन्स चलाते हैं, जैसे टिकटॉक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, हमारे चैनल्स हैं, उन पर भी हम अपनी कैंपेन चलाते हैं कलर से रिलेटेड। और ऑल्सो ये होता है कि बड़ी फनी भी होती है, सार्केस्टिक भी आप लोग मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हो। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, हाँ, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ दिल करता है थोड़ा फन करें, टाइम स्पेंड ज़्यादा हो गया, 6-7 आवर्स अगर हमने उनके साथ काम किया है तो इतना एक रिलेशनशिप बन जाता है कि आप उन्हें कह सकते हैं कि घर की बातें बता रही होती है साथ साथ, है ना? नहीं, हम घर की डिस्कस, हाँ, कुछ खवातीन होती है जो बता रही होती है, हाँ, डिस्कस करते हैं, क्लाइंट सब टाइम डिस्कस करते हैं, हम उनकी सुनते हैं, हाँ, प्रॉपर्ली आप ठीक कह रही हैं, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और क्या चाहिए कुछ घर से, हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि उनकी बात को डिनाई करना नहीं आप गलत हैं, ये सब गलत है, हम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा किसी को भी राइट नहीं है कि आप किसी की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली बात करो कि आप रॉन्ग हैं, आप गलत हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि हमसे कोई बात करे, करे, हाँ, तो वो हम सुन लेते हैं। जो बेसिक आप लोगों की एथिक्स हैं, जो बेसिक आपको ट्रेनिंग दी गई है, किसी को बुरा नहीं कहना, इनकरेज करना, ये आम लोगों को भी देनी चाहिए। सना को बोले आम खवातीन को भी ट्रेन करें ऐसे किसी को जज ना करें, किसी को बुरा भला ना बोले। आपको मजे की एक बात बताऊं, सना की जो मजे की बात है वो ये है कि हमारी एक एवरी मंथ मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें 5 core values हैं। अच्छा, नाइला आप एक्सप्लेन करें कोर वैल्यूज। हमारी 5 core values हैं, मोस्टली सैलॉन्स में नहीं होती हैं लेकिन हमारे में है मैम, जिसमें सॉरी मुझे बिल्कुल ब्लैंक हो गई। तुम तो बेटा गाने गाए करो, इतना प्यारा बोलती है कि अच्छा कोर वैल्यूज को याद अच्छा गाती है। अच्छा गाने गाती है, सर गुनगुनाती है तो भी आगे बात, लेकिन आवाज अच्छी नहीं अकेले में, मेरे बंद करने कैमरे मुदर मुंह करते हैं, लेकिन ये कोई 2-3 लाइनें याद कर लो जाओगे नहीं। हमारे यहाँ तो रस्म है भाई, मंडे का दिन हो और टाइम हो तो 11:20 तो फिर हम जरूर कहते हैं कि गाना गा के जाएं। थैंक यू, वरना बड़ा अपशगुन हो जाता है, बुरा हो जाएगा, पूरा बारिश तेज हो जाएगी। हाँ नहीं है, कोई अच्छा अकेले में कौन सा गाना गाती हो? बस कोई अगर रैंडमली सुन लो फोन पे या किसी ने पास से, साउंड बहुत अच्छी है तो प्लीज थोड़ा सा, सुर बहुत अच्छा है, सुर बहुत अच्छा है। हां, 5 core values तो याद नहीं है लेकिन आप मुझे याद है, वो बतानी है, पहले वो बताओ। हमारी 5 core values में मास्टरी है, जिसमें हम अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, ठीक है, वो कितना ट्रेंड है, उनको कितनी नॉलेज है, अपनी जो भी वो थेरेपिस्ट है, स्किन हेयर स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, शोबिज के लिहाज से। सेकंड हमारी है इंक्लूसिव, जिसमें हम डिफरेंट लोगों को लाइक रिलीजन को भी होता है कि आप इस रिलीजन से हो तो हम मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, लाइक वो भी होता है हमारी कंपनी में, उस पर बहुत डिटेल में बात होती है, सबको साथ लेके चलना है। एंड ऑल्सो हमारी ऑन ट्रेंड है कोर वैल्यू, ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी काम करना, ठीक हो गया, चाहे वो हेयर में मोस्टली ट्रेंड जल्दी चेंज होते हैं और मेकअप में, ये so उनको फॉलो करना इनके अकॉर्डिंगली। हम मॉडल जब वेदर चेंज होता है तो हम मॉडल अरेंज करते हैं, अच्छा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है, उनके ऊपर हम न्यू ट्रेंड्स को, न्यू कलर्स को, जैसे कंपनी ने कोई नया कलर लॉन्च किया है तो वो क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हम मॉडल अरेंज करते हैं, वो पूरा शूट होता है, पूरा प्रॉपर उनका सारा वर्क होता है, फिर हम क्लाइंट्स को वो शो ऑफ करते हैं कि ये नया ट्रेंड है, ठीक है, अब न्यू जो समर है या विंटर है या ऑटम कलर्स हैं वो ये ट्रेंड्स हैं, ठीक हो, क्लाइंट उसके अकॉर्डिंगली करवाते हैं। सही 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 सही, अच्छा 3 हो गए, 2 और बताओ। चले सोच लो, टेक योर टाइम, कोई अपना सुना दो ना, जैसे अक्सर गुनगुनाती हो। हाँ अच्छा
वैसे इतनी अच्छी आवाज नहीं, चलो बर्दाश्त कर लेंगे, अच्छा लग रहा है, सुना दो। हाँ, सुना दो। अच्छा मैं सोच लूँ पहले, क्योंकि सारे भूल रहे हैं मुझे चीजें। बस सोच लिया? नहीं। चलो किरण आइए बताओ, जब तक आप गाना सोच लो, हाउ डू यू मैनेज? माशाल्लाह आपकी फैमिली लाइफ भी है, करियर भी चला रही हो और इतना बिजी स्केड्यूल होता है, कैसे मैनेज करती हो? रात घर वालों के लिए, दिन सना के लिए। तो, लेकिन आप उसके अलावा भी तो काम कर रही है ना, फ्रोजन फूड का भी काम कर रही हो, वो रात में, हर्बल ऑर्गेनिक चीजों का भी काम कर रही हो, वो भी रात में। तो फिर आप सोती कब हो? रात में हैं, 3 बजे के बाद है। अच्छा, 3 से 9। 3 से 9, हाँ, उसमें नमाज के लिए जो टाइम आता है वो उठ जाओ, बस फिर उसके बाद, उसके बाद। हाँ, लेकिन ये है कि जो मेरा हर्बल है वो इतना रूटीन में नहीं है, क्योंकि मैं सेल तो नहीं करती, हॉबी है वो आपकी, वो मेरी एक हॉबी है, ठीक है। फ्रोजन भी जो है वो एक हॉबी है, वो क्योंकि हस्बैंड का बिजनेस है तो उससे रिलेटेड है, तो वो ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली होता है, तो वो अपने मैं डे ऑफ वाले दिन ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश। तो अपने लिए टाइम कब निकलता है? ड्यूटी के बाद रात में, लाइक अपना डाई करना है, हाँ, तो अगर सैलून में नहीं हुआ तो रात में या अपने डे ऑफ वाले दिन खुद से कर लेती हूँ। हाँ, मैं खुद। ठीक। अच्छा, आप बहुत अगेंस्ट हैं बॉक्स डाई के? बिल्कुल, डब्बों में मिल रहा होता है, दुश्मनी है सही शरीर की, दुश्मनी है। जो हम नॉर्मली 1000-1500 का लेकर आ जाते हैं, वो उसके अगेंस्ट क्यों है आप? अगेंस्ट इस तरह से कि देखिए, आप एक ब्रांड के कपड़े पहनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट ब्रांड है, बहुत सारे इस्लामाबाद में इस वक्त ब्रांड फैले हुए हैं, छाए हुए हैं, और उन्हीं की फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉपी मिल रही होती है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही होती है, कॉस्ट वाइज उससे हाफ है। इसी तरह जितने भी हम ब्रांड्स यूज़ करते हैं डाई में, उन्हीं की जितना उसी ब्रांड के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी भी ब्रांड का, लेकिन हर स्टोर पर उनके कलर्स पड़े हुए हैं जो कि डब्बा पैक में है। डब्बा पैक लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक आपने ग्रे के ऊपर अगर वो कलर लगाया है तो वो मेनी वॉशेस के बाद भी ग्रे के ऊपर से वॉश आउट नहीं होता, ठीक है, एज इट इज वो कलर रहता है, ठीक है, एज इट इज उसकी शाइन भी रहती है, ठीक है। उस डाई में पैराफिन ऐड होती है शाइन और ग्लॉस के लिए, ठीक है। जब तक आप उसके क्यूटिकल को, उसके बॉन्ड को तोड़ेंगे नहीं ना, उस पर कोई भी प्रोफेशनल कलर काम नहीं कर सकता, ठीक। लाइक अगर डार्क कलर है, बहुत डार्क है, डार्क से मतलब ये कि 1 से 5 तक के नंबर हैं, तो सबसे स्ट्रांग होगा 1 और 2। अच्छा, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये बहुत डार्क कलर है, हाँ। तो क्लाइंट मोस्टली यही 4 कलर करके आ रहे होते हैं। अब इन 4 कलर में एक अंडरटोन पिगमेंट है, जितना आप डार्कर में जाओगे उतना रेड ज्यादा शो होगा, ठीक है, उतना ब्लैक ज्यादा शो होगा, उतना ब्लू ज्यादा शो होगा। अब उन कलर को जब हम लाइट करते हैं तो लाइट में वो बालों के बॉन्ड को तोड़ देता है, लाइक बाल ही ब्रेक हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। और क्लाइंट को लगता है कि बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी, बिल्कुल यही मैं बात करने लगी, कि उस बाल पर ऐसा लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा। क्लाइंट को लगता है कि मेरे बाल पहले बहुत शाइनी ग्लॉसी थे, अब बिल्कुल डेड हो गए हैं, ठीक। तो वो क्या है कि हम उसको जब वॉश करते हैं, क्लींस करते हैं, हाँ, या ब्लीच करते हैं, तो बालों की जो ऊपर एक लेयर थी, शाइन ग्लॉस थी, वो खत्म हो जाती है, सही। बाल मैट लुक देना शुरू कर देता है। तो असल प्रॉब्लम ये है कि हम इसके इसलिए खिलाफ हैं। समझ तो नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे कर रही है, टेक्निकल चीजें हैं, जोक्स अपार्ट, इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो अपने पे तजर्बे नहीं करें, और जो डब्बों में डाई मिलते हैं वो बिल्कुल बालों में ना लगाएं। मेहंदी बालों को ड्राई करता है, जिसको बहुत इजीली लोग खवातीन लगा रही है। अगर आप डायरेक्ट पत्ते लेकर खुद से ग्राइंड करके लगा रहे हैं, आपको श्योरिटी है कि ओरिजिनल है, तो ठीक है। अदरवाइज जितना डब्बा पैक मेहंदी आ रही है वो सब केमिकल है, केमिकल ओरिजिनल ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक बिल्कुल, उसको जरा अवॉइड करें। जी नायला, खाना याद हो गया? 4-5 मिनट रह गए हमारे पास, चलो 2-3 लाइन हो जाए। शाबाश। अच्छा, वैसे मुझे सैड सॉन्ग ज्यादा पसंद है, कोई बात तो मैं वही कहा, मैं सैडनेस से भी खुशी ढूंढ लेती हूं, कोई बात नहीं। सॉरी, इतनी आवाज मेरी अच्छी नहीं है, अल्लाह का वास्ता सुना दो, कह रहे हैं 2 मिनट रह गए हमारे पास, शो खत्म हो रहा है। मेरी दुनिया लुटी तो जुदा हो गया, हो गया, मेरी दुनिया लुटी तो जुदा हो गया, तेरे गम में मेरा दिल ये फना हो गया, हो गया। हरी की फर्स्ट टाइम किसी ने डांस गाना गाया, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा प्यारा गाना। फीलिंग तो सैड नहीं है ना? हाँ, फीलिंग सैड नहीं है, खुशियों की जान छूटी मेरी, है ना? होता है कभी-कभी ऐसे। कुछ लोग जो होते हैं वो जो छींक की तरह से होते हैं, छींक आ जाए तो खुशी हो जाती है, इस तरह से चले जाए तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच किरण फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। जरा आप खुश रहिए, खुशियां बांटिए, मिलेंगे आपसे कल, बात करेंगे नेचुरलपैथी के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।